एंड इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू द एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब कब हमें एटॉमिक वेट यूज करना और कब हमें मॉलिक्यूलर वेट यूज करना है, ठीक है, ये बात आपको मैंने पिछली क्लास में समझाई थी। और अब नया मैंने एसिड का एन फैक्टर समझाया था, कहां तक H2SO4 का एन फैक्टर 2, H3PO4 का एन फैक्टर 3, लेकिन H3PO2 का एन फैक्टर कितना था 2, उसकी बेसिसिटी कितनी थी 2, उसमें कितने रिप्लेसिबल H थे 2, उसमें कितने H ऐसे थे जो रिड्यूसिबल थे 1 लिखा था, H3PO2 हाइपोफास्फोरस एसिड, और उसमें कितने H ऐसे थे जो एसिडिक थे 1, रिड्यूसिबल H 2, बेसिसिटी 1, एन फैक्टर 1 इन टर्म्स ऑफ एसिड, वह एसिड का एन फैक्टर था, समझ आ गया, वह किसका एन फैक्टर था एसिड का। अब फिर से एक बार ध्यान दीजिए, एन फैक्टर ऑफ एसिड इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसिबल एच, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने H2SO4 का रिएक्शन NaOH से किया और यह रिएक्शन में Na2SO4 बनता है और यह H2O निकल गया तो ये 2 लगे, हाउ मैनी एच आर रिप्लेस्ड इन केस ऑफ द H2SO4। देखिए H2 के दोनों एच, ये H2SO4 के दोनों एच रिप्लेस होकर के क्या बना रहे हैं, इसका मतलब एन फैक्टर यहां पर कितना है 2, यहां पर इक्विवेलेंट मास कितना है H2SO4 का 98/2, समझ आ गया। और यदि मैं NaOH की बात करूं तो एन फैक्टर हम दो मॉलिक्यूल के लिए नहीं लिखते, कितने के लिए लिखते हैं जल्दी बोलिए, 1 के लिए, कितने OH हैं 1, 1 OH रिप्लेस हो गया, Na बचा जो इससे आके लग गया, एन फैक्टर बोलिए कितना है इसका 1, इक्विवेलेंट मास 40/1 NaOH का 2 मोल, तो यहां रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए यूज किया गया। एन फैक्टर हमेशा कितने के लिए लिखा जाता है 1 मोल के लिए, तो 1 मोल NaOH कितना OH आयन प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल, इसलिए एन फैक्टर 1, समझ आ गया। अब यदि मान लीजिए ऐसा होता है, यह वो केस है जिसमें H2SO4 के दोनों H नहीं निकल रहे, एक ही H जा रहा है, देखिए ठीक है, इन दिस रिएक्शन द N फैक्टर ऑफ H2SO4 इज 1, वाइल इन दिस रिएक्शन H2SO4 N फैक्टर इज 2, हियर N फैक्टर इज 2 देन इक्विवेलेंट मास इज 49, हियर N फैक्टर इज 1 इसलिए इक्विवेलेंट मास ऑफ द H2SO4 इज 98/1, समझ आ गया। तो जब कभी तुमको रिएक्शंस दी जाएं और उसमें देखा जाए कि कितने एच रिप्लेस हो रहे हैं, यह एसिड बेस रिएक्शन है, यह एसिड है और यह बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन में यहां H2SO4 का एन फैक्टर कितना है 1, ध्यान दीजिए हमने कल H2SO4 का एन फैक्टर लिखा था 2, जनरल एन फैक्टर था वो, क्या था वो जनरल एन फैक्टर, और यह बिल्कुल स्पेसिफिक है, इस रिएक्शन में दो ही एच निकल रहे हैं तो जनरल और ये एक ही चीज हो गई, लेकिन यहां बदल गया है, कितने एच यहां पे रिएक्ट कर रहे हैं 1, आ गया समझ में। जैसे मैं Na2CO ये H2CO3 आपको देता हूं और इसका NaOH से रिएक्ट कराता हूं और यदि यह NaHCO3 बनता है और H2O, तो यहां पर H2CO3 के कितने H रिएक्ट कर रहे हैं 1, N फैक्टर इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन 1 एंड दस इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 1, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना आप, हाइड्रोजन 1 × 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 × 3, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब एन फैक्टर का कंसेप्ट समझ आया, ठीक है,
तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को भी देखना है, यदि रिएक्शन के साथ कोई चीज दी जा रही हो तो। और कल ध्यान करो, H2CO3 का N फैक्टर कितना लिखाया था मैंने, 2, लेकिन यहां कितना लिखाया मैंने, 1। यह किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल एच, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल एच कितने हैं उसमें। नहीं लिख पाए अभी, P4O10। कल बताया तो था मैंने पिछली क्लास में P4O10। P4O10 वैसे ही बन जाएगा, फास्फोरस से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना दो और अब देखिए, एसिड का मतलब समझ आ गया आपको, और एसिड के एन फैक्टर का मतलब समझ आ गया। अब लिखिए एन फैक्टर ऑफ एसिड सॉल्ट, यहां पर एसिड सॉल्ट का मतलब समझिए, हमेशा आता है ये क्वेश्चन एसिड सॉल्ट का। ये देखिए, ये है एसिड, यहां ध्यान दीजिए, ये क्या है एसिड, ये क्या है। अगर मैं कंप्लीट रिएक्शन करूं तो Na2SO4 बनेगा, लेकिन यहां पर कितना बन रहा है देखिए, NaHSO4। तो ये जो NaHSO4 है, यदि तुम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो ऐसा बनेगा इसका स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिए, ये H2SO4 बनाया आपने और एक H रिप्लेस किया तो ये NaHSO4 बन गया। अब बताइए इसमें कितने H हैं, एक H और है, तो ध्यान दें, ये इतना हमें साल्ट दिख रहा है पर यहां हमें ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एच दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एसिड साल्ट, समझ आ गया। अब मैं इसका एन फैक्टर नहीं बोल रहा हूं, एसिड साल्ट का, एसिड साल्ट कौन सा लिखा मैंने, NaHSO4, बताइए एन फैक्टर कितना होना चाहिए इसका, 1। तो एन फैक्टर ऑफ एसिड साल्ट, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल एच, इस तरह एन फैक्टर 1, इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाई 1 NaHSO4 का एन फैक्टर, समझ आ गया आपको। उसी तरह ये देखो, अगर मैं आपको NaHCO3 लिखता तो NaHCO3 में ये H आपको कैसे पता चला, तो आप स्ट्रक्चर बनाइए, ये देखिए स्ट्रक्चर हमने बनाया और ये H और यहां H लगा है जो हट गया NaHCO3, ये जो H है वही है, ये H जो ऑक्सीजन से H जुड़े होते हैं वे एसिडिक नेचर के होते हैं। बताइए एन फैक्टर कितना है इसका, 1, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाई 1 NaHCO3, समझ गए। अब पहचान के देखिए, H3PO4 होता है आप जानते हैं एसिड, अगर मैंने बनाया NaH2PO4, बताइए एसिड साल्ट है कि नहीं, NA2HPO4, ये दोनों एसिड साल्ट है कि नहीं,
तो आपको कल मैंने स्ट्रक्चर बना दिए थे और अब आपको वो याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर्स। इससे देख के हमको लगता है कि इसका एन फैक्टर 2 है, इसका एन फैक्टर 1 है और इसका इक्विवेलेंट मास m बाई 2 है, इसका m बाई 1 है। लेकिन अब मैं अगला और दे रहा हूं आपको, NaH2PO3 और Na2HPO3, इसमें बताइए क्या यह एसिड साल्ट है या नहीं, और कितने H दिख रहे हैं, और ये एसिड साल्ट है कि नहीं, और इसमें कितने H दिख रहे हैं। यहां पे गलती नहीं होना चाहिए, मैंने स्ट्रक्चर आपको बना के बताए थे, और इसको बताइए कि इसका N फैक्टर, इसमें कितने एसिडिक एच हैं और इसमें कितने एसिडिक एच हैं। जल्दी बताइए, मुझे लगता है कि यहां पर दो एच दिखाई तो दे रहे हैं, पर ये एक ही एच है, यहां पर एन फैक्टर 1 होना चाहिए और ये एसिड साल्ट ही नहीं है। एसिड साल्ट नहीं है ये, इसका एच देखिए फास्फोरस से अटैच होगा और इसमें जो दो एच दिख रहे हैं एक एच फास्फोरस से अटैच्ड है, तो वो एच एसिडिक एच नहीं है, बेसिसिटी नहीं क्रिएट करेगा, तो इसका एन फैक्टर होगा 1। और ये मैं एक बार फिर से बनाता हूं, H3PO3, ये देखिए ये H3PO3 है, और यदि मैंने H को हटा दिया यहां से, ये देखिए Na लगा दिया है, तो NaH2PO3 NaH2, इसमें दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एसिडिक है बट ये एसिडिक नहीं है, ये रिड्यूसिबल है, तो बताइए N फैक्टर कितना हुआ। समझ आ गया, एसिड साल्ट के टर्म में इसका N फैक्टर कितना हुआ, 1। और यह एसिड साल्ट है क्या, इसमें ये जो एच दिख रहा है ये हाथी का दांत है, ये दिखाने भर का है, ये एसिडिक नहीं है। हाथी का दांत जानते हो ना तुम लोग, जो बड़े बड़े बाहर निकले रहते हैं वो सिर्फ दिखाने के रहते हैं, उनसे खाने के नहीं रहते बोलते हैं, तो ये एच दिखाने के लिए तो एच है लेकिन ये एसिडिक एच नहीं है। समझ गए, तो ये एच कैसा है, हाथी का दांत, ये एच कैसा है, हाथी का दांत है। तो ये सभी एग्जाम में ये आता है, सभी एग्जाम में ये आता है कि एसिड सॉल्ट है कि नहीं, तो ये एसिड सॉल्ट है पर ये एसिड सॉल्ट नहीं है। अब बताइए, अगर मान लीजिए Na2HPO2 देता हूं मैं, अब बताइए एसिड सॉल्ट है कि नहीं, NaH2PO2 यह एसिड सॉल्ट है कि नहीं है, तो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये देखिए ये हो गया H3PO2 और इसको हटाइए, इसकी जगह क्या लगाइए, अब बताइए बन गया NaH2PO2, दिख रहा है क्या, ये दोनों H एसिडिक हैं, इसका मतलब यहां ये दो हाथ, ये दो एच है, ये हाथी के दांत है, ये एसिड साल्ट नहीं है। कैसा साल्ट नहीं है, एसिड साल्ट नहीं है भी, तो इनको हम इस कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं।
बोलिए कंसेप्ट क्लियर हो गया एसिड साल्ट का। अब एक तो क्वेश्चन आता है एसिड साल्ट कौन सा है, अब वो बात कर ले पूरी फिर उसके बाद पढ़ाएंगे, कहीं बात अधूरी ना रह जाए। बड़ा वो हो जाएगा नहीं तो बड़ा अपराध हो जाएगा मेरे ऊपर उसकी बात अगर अधूरी रह गई तो। जब वो कंप्लीट कर लेगा ना पूरी बात तब अपन पढ़ना शुरू करेंगे, तब तक मैं बैठता हूं। अरे नहीं उसके कंप्लीट कर लेने दो, वो कंप्लीट कर ही ले तू, उसके बाद मेरे को आदेश करना कि सर अब आदेश देता हूं, अब मेरी आज्ञा है कि अब पढ़ाइए। तब तक मैं आराम करता हूं। मजा उसी में है कि बात पूरी कंप्लीट होने के बाद पढ़ो, ठीक है, पूरी नींद ले लो उसके बाद पढ़ो, पूरा खाना खा लो उसके बाद पढ़ो, पूरी पिक्चर देख लो उसके बाद पढ़ो, ठीक है। आधी पिक्चर देखी ठीक है, अरे यार क्लाइमैक्स बना ही था और कोचिंग शुरू हो गई नहीं, बिल्कुल आप पूरी पिक्चर देख लो उस पर पूरा डिस्कशन कर लो, जब पूरा डिस्कशन हो जाए उसके बाद पढ़ाई करो। वे लोग कभी सफल नहीं होते जो पिक्चर भी साथ देखते हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन वे लोग सफल हो जाते हैं जिनके घर में पिक्चरें दिन भर चलते रहती हैं, ठीक है, लेकिन वे पिक्चरें नहीं देखते, सामने टीवी रखी है इसके बाद भी उसे सुनाई नहीं दे रहा टीवी, ठीक है, तो वे सफल हो जाते हैं। अदरवाइज लोग ये सोचते हैं कि यार डिस्टरबेंस ही डिस्टरबेंस है, मेरे घर में इतने सारे भाई बहन चाचा वाचा भाई पता नहीं कितने आते रहते हैं, ठीक है, टीवी चलते रहता है, डिस्टरबेंस ही डिस्टरबेंस है, अकेला अलग से रूम होता तो मैं बहुत पढ़ाई करता, अलग से रूम होता तो वो और ज्यादा सोता वो पढ़ाई नहीं करता। बोलो जैसी आपकी सर्कमस्टेंसेस हैं, ठीक है, जो परिस्थितियां हैं आपकी उसमें आपने अगर निकाल दिया तो तभी आप जो है ना खरे हो। तुम लोग बिलीव नहीं करोगे मैं कभी बच्चों को डांटता नहीं, कभी मारता नहीं, कभी गुस्सा नहीं होता, ठीक है, मैं गुस्सा थोड़ी हूं मैं, मेरा मतलब ये है कि आप लोग पूरी एक बार कंप्लीट कर लो, कंप्लीट बिल्कुल कि आप अब नहीं करेंगे, अब हो गई बात, तब पढ़ाई करें तब अच्छा लगेगा। और जिन जिन की जो जो रह गई है वो भी कंप्लीट हो जाए। बात करने वाले पेयर जो है ना फिक्स है करें स्टार्ट की नहीं बोल, उसे पूछ तो लो। और जब तक वो आज्ञा नहीं देगा मुझे मैं उठ नहीं सकता है आज्ञा क्यों
आ गया है कि नहीं है? देखो आज्ञा दे दी उसने, अब पढ़ाता हूं मैं। एन फैक्टर ऑफ बेस, एन फैक्टर ऑफ बेस इक्वल टू द रिप्लेसिबल ओएच, इसी को हम बोलते हैं एसिडिटी। जैसे मैंने NaOH ले लिया तो उसका एन फैक्टर होगा 1, और हम इसे बोलेंगे मोनो एसिडिक बेस। जैसे H2SO4 डाई बेसिक एसिड था, HCl मोनो बेसिक एसिड था, उस तरह हम यहां लिखेंगे मोनो एसिडिक बेस। ये बेस है बट मोनो एसिडिक है। CaOH ट्वाइस, एन फैक्टर 2, यह डाई एसिडिक बेस है। H2SO4 कैसा था? डाई बेसिक एसिड, तो यह कैसा है? डाई एसिडिक बेस, एन फैक्टर 2 है। AlOH थ्राइस 3, ट्राई एसिडिक बेस है। अब बताइए सबके सामने है ये, इनके एन फैक्टर्स हम देख सकते हैं और इक्विवेलेंट मास, इसका मॉलिक्यूलर वेट बाय 1, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 और इसका मॉलिक्यूलर वेट बाय 3। मॉलिक्यूलर वेट लिख ही लोगे कि नहीं है? लिख लोगे? NaOH 40, KOH COH ट्वाइस में कैल्शियम होता है 40 और ऑक्सीजन 16 प्लस 1 इंटू 2, टोटल काउंट कर लेना, डिवाइड कर देना 2 से। एल्यूमिनियम होता है 27, ये 16 प्लस 1 इंटू 3, डिवाइड कर देना 3 से, ठीक है? ये एल्यूमिनियम 27 होता है। तो बोलो एसिड का बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी, समझ आ गया? तो बहुत सिंपल है, ऐसे पहचानिए इसको। अब यदि मान लीजिए मैंने NaOH का रिएक्शन HCl से किया, दोनों ही मोनो ये भी है और मोनो ये भी है, और बड़ा सिंपल साल्ट बन गया, H2O निकल गया, बताइए यहां कितने OH रिप्लेस हुए? 1, n फैक्टर 1। यहां कितने H रिप्लेस हुए? देखिए H हट गया और क्या लग गया यहां पे? Na। उल्टा देखते हैं यहां, तो यहां भी n फैक्टर कितना? 1, यहां n फैक्टर 1 और इक्विवेलेंट मास जो है वो सामने है तुम्हारे, कर लोगे आप इसको? अगर मैंने यहां पर CaOH ट्वाइस लिया होता और एक HCl से मैं रिएक्शन करा के CaOHCl बनाता और H2O, तो अब बताइए इससे कितने OH रिप्लेस हो रहे हैं? यहां इसका n फैक्टर 1 होता, इक्विवेलेंट मास m होता, समझ आ गया? जैसे मैंने H2SO4 में एक H रिप्लेस किया था, NaHSO4 बनाया था, वैसा ही यहां पर मैंने किया, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू m। कब? जब एक ही OH रिप्लेस हो रहा हो तब। आ गया समझ कि नहीं? तो सिंपल है, जितने H रिप्लेस हों, जितने OH रिप्लेस होते हुए दिखाई दें, उस पर्टिकुलर रिएक्शन में n फैक्टर वही माना जाएगा, ठीक है? आ गया समझ में? देखो इधर, यदि मैं n फैक्टर ऑफ साल्ट की बात करता,
अब मैं एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। मैंने कोई सा भी साल्ट देखा, देखो एक साल्ट हो गया NaCl, दूसरा साल्ट हो गया CaCl2, तीसरा साल्ट हो गया Al2SO4, चौथा साल्ट हो गया AlPO4। अब देखो साल्ट कितने भी लिख सकते हैं, मैंने बहुत सारे साल्ट लिख दिए। इस साल्ट को ध्यान से देखो, इस साल्ट में Na आयन पर चार्ज है +1 और उसका कोफिशियंट है 1। उसी तरह है Cl आयन पर चार्ज है -1 और कोफिशियंट है 1। तो चार्ज मैंने ले लिया केटायन का चार्ज और केटायन का कोफिशियंट। तो चार्ज ऑन केटायन इंटू कोफिशियंट ऑफ केटायन। अब बताइए यदि मैं NaCl का एन फैक्टर देखूंगा तो चार्ज 1 है और कोफिशियंट 1 है। ये देखिए चार्ज 1 कोफिशियंट 1, ऐसा एन आयन के लिए भी लिख सकते हो। चार्ज है 1 कोफिशियंट है 1, तो एन फैक्टर 1। चार्ज का साइन नहीं लेना। यहां देखो कैल्शियम पर चार्ज कितना है 2 और कोफिशियंट 1, ये हो गया 2 × 1। Al2 को देखो, एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना होता है 3। यदि नहीं समझ आए तो ये 3 इधर लगेगा और ये 2 इधर लगेगा, ये देखिए -2 हो गया। ये तो समझ आ गया है, ये 3 इधर और ये 2। क्या बोल रहे हो, कब? अच्छा साल्ट का इन्फेक्टर पढ़ा दिया मैंने, मैं जनरली बाद में पढ़ाता हूँ साल्ट का इन्फेक्टर, तो मैं पहले कैसे पढ़ा दिया मैंने। तो चलो ठीक है, जिनने नहीं पढ़ा था उनको आ गया। एक बस ये +3 और ये 2, तो ये इन्फेक्टर है और ये अब आप इनसे क्या निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट मास। तो एसिड, एसिड साल्ट, साल्ट बेस आयन, आयन साल्ट में, आयन इन द साल्ट, ये भी पढ़ा दिया था ना हमने, आयन इन द साल्ट। जैसे मान लो एल्यूमिनियम सल्फेट पर एल्यूमिनियम आयन का एन फैक्टर +3 होगा, ना कि 6, ठीक है। अब सिर्फ एक क्वेश्चन दूंगा, बस छोटा सा, एक ही में काम हो जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन 1 मोल ऑफ H3PO4। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पर ध्यान दो, मैं फिर से इधर समझा रहा हूं, उसको क्वेश्चन को भूल जाओ। इधर देखो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और वैसे तुम जानते हो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय, तो मैं इक्विवेलेंट वेट की जगह यहीं पे कर दूं शिफ्ट, आप समझ आ गया। तो ई की जगह मैं क्या लिख दूं, ये लिख दूं ई की जगह। अब बताइए दोनों को डिवाइड कर दिया, वेट से वेट कैंसिल, मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल, ये आ गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट उधर शिफ्ट हुआ इक्वल टू एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आपको मोल दिए जाएं तो इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, अगर इक्विवेलेंट दिए जाएं तो मोल निकाल सकते हो। क्या चाहिए, और आपको सबके एन फैक्टर मालूम है,
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स, बोलिए कितने मोल दिए इसके, वन, एन फैक्टर कितना है इसका, थ्री, बताइए कितने इक्विवेलेंट आ गए, थ्री इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू थ्री इन नंबर ऑफ मोल वन, इसके एक मोल में इसके तीन इक्विवेलेंट होंगे। अगर मैं इक्विवेलेंट देता थ्री तो मोल कितने आते, वन, तो एक मोल कितने के इक्वल है, थ्री इक्विवेलेंट के। वन मोल इज इक्वल टू द थ्री इक्विवेलेंट, समझ आ गया। अगर मैं यही क्वेश्चन आपको इसके लिए दे देता, देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन वन मोल ऑफ एल टू एसओ फोर थ्राइस, तब आपकी एकदम समझ आना चाहिए था कि इसका एन फैक्टर कितना है, ये सिक्स, इसका वन मोल सिक्स इक्विवेलेंट के बराबर है। अगर मैं एच टू एसओ फोर देता तो एन फैक्टर टू था, आ गया आप समझ में तुमको। तो कभी मोल दें तो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट दें तो मोल निकालने का तरीका ध्यान रखना है हमको, लिख लिया। समझ आ गया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं यहां पर H3PO3 देता तो क्या होता, तो टू, समझ आ गया। H3PO3 में दिखने के तीन है लेकिन होते कितने हैं, दो। बोलो समझ आ गया। अब टर्म हम पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन टर्म समझाता हूं आपको। सबसे पहले स्ट्रेंथ, देखो अपन चाय बनाते हैं, शक्कर डालते हैं, एक चम्मच शक्कर डाली, उसी एक कप चाय में दो चम्मच डाल दी तो और मीठी हो गई, तीन चम्मच डाल दी तो और मीठी हो गई, चार चम्मच शक्कर डाल दी एक ही कप में तो क्या होगा, और चिपक जाएंगे तो खुलेंगे नहीं, समझ आ गया। मतलब क्या, मीठापन बढ़ते जा रहा है, क्या बढ़ते जा रहा है, मीठेपन की स्ट्रेंथ बढ़ते जा रही है। तो बस केवल स्ट्रेंथ होती है, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, ये डेफिनेशन है, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये यूनिट जो बनी, ये देखिए ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, सिंपल। अगर मैंने एक लीटर में 100 ग्राम शक्कर डाल दी तो 100 ग्राम पर लीटर उसकी स्ट्रेंथ हो गई, 100 ग्राम पर लीटर, 200 ग्राम पर लीटर, 300 ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ बढ़ते चली जा रही है। तो स्ट्रेंथ, सिंपल स्ट्रेंथ जो होती है ग्राम पर लीटर, पर स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर तो है, इस ग्राम पर लीटर को नई स्ट्रेंथ में भी हम डेवलप कर सकते हैं, वह भी स्ट्रेंथ है। तो तीन प्रकार की स्ट्रेंथ होती है, ग्राम पर लीटर, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, ठीक है। अब मैं आपको, अब स्ट्रेंथ को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ग्राम पर लीटर है, ठीक है, पर लीटर। अच्छा ये बताओ, सबको मालूम है वन लीटर इक्वल टू थाउजेंड एम एल,
माने 1000 ml में यदि कोई सॉल्यूट अवेलेबल है तो वह क्या बन गई, स्ट्रेंथ। अब दूसरी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, नॉर्मल मोलरिटी करते हैं पहले अपन, स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। बताइए इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, तो वही चीज हमें सामने दिखाई दे रही है, मोलरिटी कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम मोलरिटी है। और ध्यान देना एम इक्वल टू हो जाएगा वही वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपान मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमें एक बार पूरी बात समझना है। अब ध्यान दीजिए, मैं ये छोटे पार्टिकल सॉल्वेंट के, ये हो गया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को मैं बोलता हूं ए, और ये हो गया सॉल्यूट, सॉल्यूट को मैं बोलता हूं बी। तो दो कंपोनेंट हो गए सॉल्यूशन के, ठीक है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट। अब मैंने इतना सॉल्यूट लिया और उसको इतना यहां तक भर दिया, ये 1 लीटर है सपोज, तो सॉल्यूशन 1 लीटर दिख रहा है। देखो अगर मैं सॉल्वेंट 1 लीटर लेता और उसमें फिर सॉल्यूट मिलाता तो उसका वैल्यू यहां आ जाता, 1 point something हो जाता। तो हमको पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में लेना है, समझ गए। अगर मुझे 1 लीटर सॉल्यूशन बोलना है तो उसका क्या मतलब हुआ, पहले मैंने इसमें सॉल्यूट डाला और धीरे धीरे पानी मिलाते मिलाते उसको कहां तक फुल कर लिया, 1 लीटर तक, निशान तक फुल कर लिया। दिस इज द 1 लीटर सॉल्यूशन, नॉट 1 लीटर सॉल्वेंट। क्लियर हो गया। अच्छा, तो अब वेट ऑफ सॉल्यूट को मैं बोल रहा हूं डब्ल्यू बी, बी का मतलब सॉल्यूट। अगर मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट लेना है तो डब्ल्यू बी, ध्यान देना, वेट ऑफ सॉल्यूट लेना है तो डब्ल्यू बी, वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना है तो डब्ल्यू ए, मॉलिक्यूलर वेट, ये वेट है ना दोनों के, मॉलिक्यूलर वेट लेना है मुझे, मॉलिक्यूलर वेट तो ए के लिए मैं एम ए लिखूंगा, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, ए मतलब सॉल्वेंट, और एम बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी ऐसा लिखूंगा मैं, समझ गए। एम बी एम नहीं, एम क्या है, एम क्या है, मोलरिटी। तो इस टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपान एम बी, दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसा इसको मैंने रिप्रेजेंट किया। समझ आ गया। अब देखो ये जो है डब्ल्यू बी अपान एम बी को हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ये देखिए नंबर मैंने वहां लिखा है, डब्ल्यू बी अपान एम बी कहलाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसके मोल, सॉल्यूट के, अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इसको मैं N का मतलब नंबर ऑफ मोल और B का मतलब सॉल्यूट, N B अपान V लिख सकता हूं, समझ गए, कोई ट्रस्ट कष्ट तो नहीं है। नंबर ऑफ मोल WB अपान वेट ऑफ सॉल्यूट अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को हमने क्या बोल दिया, नंबर ऑफ मोल्स, ये मोल्स हो गए, अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और यदि मैं ये टर्म ले लेता, इधर देखो ये टर्म, तो ये टर्म क्या है, वो ऊपर दिख रही है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, डब्ल्यू बी अपान वॉल्यूम इन लीटर, समझ आ गया। तो ये टर्म हम क्या लिख सकते थे, स्ट्रेंथ अपान मॉलिक्यूलर वेट, स्ट्रेंथ अपान मॉलिक्यूलर वेट, वी का मतलब सॉल्यूट।
इसलिए मैंने एक बार पूरी टर्म लिख दी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। समझ आ गया? तो एस एस क्या है, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। अब बताओ मोलैरिटी की क्या डेफिनेशन लिख सकते हो? ये देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर मींस वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं वह क्या कहलाता है? मोलैरिटी। ये डेफिनेशन हो गई, यहां डेफिनेशन लिख रहा हूं, देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट बोलो या डिजॉल्व बोलो, डिजॉल्व कब होगा? जब वो उसमें प्रेजेंट होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। ये मोलैरिटी को डिफाइन किया। आ गया समझ में? आप जरा देखो, अगर मैंने यहां देखो नंबर ऑफ मोल्स लिए वन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिया तो वन, तो वन बाई वन क्या हुआ? वन। ये कहलाया वन एम। वन एम का मतलब समझ आ गया? बस मोलर सॉल्यूशन कहलाता है ये। वन एम का मतलब मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? वन मोल ऑफ सॉल्यूट। देखो सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूट शक्कर, सॉल्यूट ग्लूकोस, नमक, जो भी हो, Al2SO4, थ्राइस, कुछ भी हो सकता है। वन मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये हुआ मतलब। तो कई जगह तुमको मोलर सॉल्यूशन दिया जाएगा, कई जगह वन मोल प्रेजेंट इन वन लीटर दिया जाएगा, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? वन मोल पर लीटर सॉल्यूशन। तो ये वन एम का मतलब हुआ। टू एम का मतलब, जैसे मोलर लिखा तो यहां बाई मोलर, बाई मोलर का मतलब टू मोल इन वन लीटर। तो इसी को आप वन की जगह क्या कर देंगे? टू मोल इन वन लीटर। समझ आ गया? टू मोल क्या? सॉल्यूट। किसमें? वन लीटर सॉल्यूशन में। अगर मैं एम बाई टू करता हूं, एम बाई टू का मतलब हाफ एम का मतलब सेमी मोलर, सेमी मोलर का मतलब हुआ वन मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टू लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये मतलब हुआ। या इसको कैसा लिख सकते हैं? 0.5 मोल प्रेजेंट इन वन लीटर। इसी को आप कैसा लिख सकते हैं? 0.5 मोल पर लीटर, सेमी मोलर। समझ आ गया? आप ध्यान दीजिए, यदि आप सेमी मोलर लिख सकते हैं, ठीक है, अब हम लिख रहे हैं 5m, 5m का मतलब होता है पेंटामोलर, जिसका मतलब हुआ 5 मोल पर लीटर। 5 1/5m, जैसे 1/2m होता है सेमी, ये होता है पेंटी मोलर, जिसका मतलब हुआ वन मोल प्रेजेंट इन, वन मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 5 लीटर सॉल्यूशन, ये मतलब हुआ इसका। फिर 10m, 10m का मतलब होता है डेका मोलर,
ठीक है, तो 10 मोल पर लीटर इसको बोलेंगे, 10 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं 1/10 दूं तो इसका मतलब हुआ डेसी मोलर। अब इसका मतलब लिख लोगे 10^-1 m या 0.1 m या 0.1 मोल पर लीटर ऐसा। तो किसी भी डिजाइन में आपको वो दिया जाए आप इसे अच्छे से पहचान लें। फिर 100 m मतलब ये कहलाएगा सेंटा मोलर। तो 1/100 m जिसे हम बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं 10^2 m। तो 1/100 m जो हो जाएगा 1/100 m, इसे हम बोलेंगे 10^-2 m, इसे हम बोलेंगे सेंटीमोलर। सेंटा सेंटी, ठीक है, डेका डेशी, इनको ध्यान रखना। 1000 m जिसको हम बोलेंगे 10^3 m, जिसको हम बोलेंगे किलो मोलर, किलो मोलर। और अगर मैं 1/1000 कर दूं इसका मतलब 10^-3 m, तो ये हो जाएगा मिली मोलर। और अब इनके मीनिंग आपको समझ आ गए। एक मोल 1000 लीटर में, एक मोल 1000 लीटर में तो वो हो गया मिली मोलर, और 1000 मोल 1 लीटर में तो वो हो गया किलो मोलर। बोलो हर स्टेप समझ आ गए इसकी, हर एक स्टेप क्लियर हो गई है। अब देखो, यदि तुम्हें स्ट्रेंथ दी जाए तो ये दिया है, डिवाइड करना किससे, मॉलिक्यूलर वेट से, क्या जाएगी मोलरिटी। यदि तुम्हें ये दिया है, माने क्या दिया है मोल, और डिवाइड करना वॉल्यूम से, वॉल्यूम किसमें लीटर में, तो क्या जाएगी मोलरिटी आ जाएगी। समझ आ गया। यहां देखो, ये m है, m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, यहां देखो, तो क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। और अगर वॉल्यूम ml में है तो मिली मोल बन जाएगा, नंबर ऑफ मिली मोल्स, तो यह आ जाएगी मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम, बट वॉल्यूम किसमें है ml में। समझ आ गया पूरे पॉइंट्स। चलिए फटाफट लिखिए, इसमें टाइम मत लगाइए। दिखने में प्रॉब्लम है क्या, दिखने में प्रॉब्लम हो रही क्या? वो मैंने इसलिए लिखा है ये एक पेज पर कि आपको वो सब एक साथ दिखे कि ये है क्या, क्योंकि मैं अब जो टर्म कन्वर्ट कर रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आप बोलो मोलरिटी की पूरी बात समझ आ गई। फिर से देखो स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ किस टर्म में निकाली, माने ग्राम पर लीटर को किस में बदल दिया मोल पर लीटर में, मोलरिटी में। अब कोई न्यूमेरिकल देने की जरूरत नहीं है, मुझे वेट दूं तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता है, वॉल्यूम दूंगा ही मोलरिटी आ जाएगी। कंसंट्रेशन दूं ग्राम पर लीटर तो मॉलिक्यूलर वेट रखिए आ जाएगा।
ठीक है, दो ही तो चीज है। और मोलरिटी और वॉल्यूम इन लीटर दूं तो क्या जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम वाला। अब देखिए स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, अब स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, ये बताइए भाई साहब, ये रेड कलर में दिक्कत तो नहीं आएगी? नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी पर ध्यान दीजिए, ये ग्राम पर लीटर वही चीज है। अब मैं यहां पर नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, अब वर्ड पूरा लिखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। और बताइए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पे मैं मॉलिक्यूलर वेट की जगह क्या यूज करूंगा, जल्दी बोलिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और इक्विवेलेंट वेट मैंने पूरा अच्छी तरह से कल और आज में समझा दिया है आपको हर डिजाइन का, बस यहां पे वैल्यू रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बताइए एम को ई से रिप्लेस कर दिया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसकी यूनिट क्या बन गई, यूनिट जो बनी इक्विवेलेंट पर लीटर, और उसकी यूनिट क्या बनी थी, मोल पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर। और देखो इधर ये एन है, यहां पे एम की जगह क्या कर लीजिएगा, ये एन, जहां एम है वहां एन कर लेंगे, ये एन। बोलो कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये इक्विवेलेंट वेट, ये नॉर्मेलिटी, मॉलिक्यूलर वेट की जगह क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। अब बताइए यहां समझ आ गया पूरा, केवल एक हमने वर्ड चेंज किया वह है इक्विवेलेंट वेट, तो नॉर्मेलिटी बन गई। लिखना बंद करके एक मिनट यहां देख लो, एक मिनट देखो, ये वन सारे एम हटा दिए, वन एन का मतलब ये नॉर्मल सॉल्यूशन हो गया, जिसका मतलब मोल की जगह वन इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन वन लीटर, वन इक्विवेलेंट प्रेजेंट वन लीटर, टू एन तो इसका मतलब हो गया बाई मोलर की जगह बाई नॉर्मल, मोल की जगह हर जगह इक्विवेलेंट, सेमी नॉर्मल बन गया। अब ये एम बाई टू बोलिए या वन बाई टू एम, सेमी नॉर्मल, मोल की जगह इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, वन इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो नॉर्मल ये बाई नॉर्मल, ये सेमी नॉर्मल, एन बाई टू, एन बाई टू, ये एम लिख दिया मैंने गलती से, एन बाई टू, फाइव एम तो यहां 5n, 1/5n, ये पेंटामोलर, ये पेंटीमोलर की जगह नॉर्मल आ जाएंगे, जहां मोलर है वहां नॉर्मल, पेंटा नॉर्मल, पेंटी नॉर्मल, ठीक है। मोल की जगह इक्विवेलेंट, समझ गए, यहां पर वही चीज देखिए, सब n कर दें, 10n, 1/10n, 100n, तो डेसी मोलर की जगह डेसी नॉर्मल, डेका नॉर्मल आ जाएंगे, सेंटी नॉर्मल, सेंटा नॉर्मल, सब। बोलो पॉइंट क्लियर हो गए, वही के वही, इसलिए मैंने एक पॉइंट ये यूज किया
कि आपको एक ही बार में ये बात समझ आ जाए कि किलो नॉर्मल और मिली नॉर्मल हो गई है। ये हो जाएगा। तो नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम पर लीटर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी क्या हो गई, यूनिट। हो गया। वही तो करना है, मैं होता तो मोल की जगह इक्यू इक्यू रेट से वहीं के वहीं करते जाता और मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करते जाता। वही तो किया मैंने। ये मेरा समझाने का तरीका है, केवल हमें नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन बनाना है तो केवल हमें एन फैक्टर चाहिए बस। बना लिया कंप्लीट, हो गया या नहीं? अब बताइए ये कैसे रिलेट कर रहे हैं, वो समझ आ गया पूरा? अब यदि मान लो मैंने तुम्हें क्या दे दिया होता, सेमी नॉर्मल दिया होता, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम हिट होता कि सेमी नॉर्मल मींस एन बाई टू, जिसका क्या मतलब हुआ, इक्विवेलेंट टू लीटर में, यानी 0.5 इक्विवेलेंट वन लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वन लीटर है लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 0.5 है। ये अब इनकी हमको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, और इनका एप्लीकेशन हम क्वेश्चन में कैसे करें वो आपको समझना है बस।
देखो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के पहले मैं नॉर्मेलिटी मोलरिटी में रिलेशन, ये नॉर्मेलिटी और ये मोलरिटी और दोनों को रिलेट करना है, क्या बताइए? या तो मैं मॉलिक्यूलर वेट को रिप्लेस करूं या इक्विवेलेंट वेट को मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर करूं, कर दूं? ये होता है एन फैक्टर, ई की जगह मैंने रख दिया मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। बताइए डब्ल्यू वी से डब्ल्यू, वॉल्यूम से वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट, ये आ गया नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलरिटी। नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलरिटी। नॉर्मेलिटी को बदलना है मोलरिटी में तो क्या चाहिए? एन फैक्टर, या मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में तो एन फैक्टर, और एन फैक्टर मैंने आपको सबके सिस्टमेटिकली इसलिए समझा दिए हैं पहले ही। हो गया, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये देखो, कैलकुलेट द मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ 98 ग्राम H2SO4 सॉल्यूशन, 98 ग्राम पर लीटर H2SO4 सॉल्यूशन। तो बताइए कितना सिंपल है, मोलरिटी नॉर्मेलिटी वो रखा है, मोलरिटी वो रख, मोलरिटी इक्वल टू वेट दिया है 98 ग्राम, वॉल्यूम दिया है 1 लीटर। ये देखिए वेट कितना दिया है 98 ग्राम, वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2SO4 का 98, ये आ गया 1 मोल पर लीटर, इसे ही हम 1 m बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? 1 m। जरा देखिए 1 m H2SO4 में कितने ग्राम है, देखिए H2SO4 के, समझ गए? उल्टा भी क्वेश्चन, 1 m 1 लीटर में कितने ग्राम? 98 ग्राम, समझ आ गया? अच्छा, इसी की नॉर्मेलिटी निकालना हो तो वेट 98 ग्राम, वॉल्यूम 1 लीटर, और इक्विवेलेंट मास 98 डिवाइडेड बाय 2 कितना रहता है, ये देखिए कितना आ गया 2n बाय नॉर्मल, माने 1 मोलर इक्वल टू बाय नॉर्मल। अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो ये है नॉर्मेलिटी, ये रखा है, देखिए ये रखा है नॉर्मेलिटी कितनी है बोलिए 2, एन फैक्टर कितना 2, तो मोलरिटी कितनी, समझ आ गया? यहीं से भी कैलकुलेट कर सकते थे, समझ आ गया? आपकी जो नॉर्मेलिटी आई है वो कितनी 2, एन फैक्टर होता है 2, और मोलरिटी निकालना है तो बताइए मोलरिटी कितनी आ गई 1, समझ आ गया? तो बहुत सिंपल तरीका है इसे समझने का। कैलकुलेट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 m H3PO4 सॉल्यूशन। बताइए आपको दिया है नॉर्मेलिटी निकालना है, ये दी है आपको
एन फैक्टर कितना होता है, और ये दिया आपको 0.3, तो कितनी आ गई 0.9। समझ आ गया? तो इस तरह है नॉर्मेलिटी निकालने का डायरेक्ट तरीका, ये काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.1 mL 10 mL H2SO4 सॉल्यूशन। बोले नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी दी है, जल्दी बोलिए, 0.1 mL, और ये 10 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि ये किसमें है, ml में। समझ आ गया? 10^-3 मोल्स। लिखिए मोलेलिटी स्मॉल m, मोलेलिटी इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू, यहां पर हमें यूज करना है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ध्यान दीजिए भाई, एम ये टर्म पूरी वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू भी है और वो किसमें है, किलोग्राम में। अगर वो ग्राम में दिया होता ये, तो आप ऊपर ग्राम में किलोग्राम में बदलते उसको। डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्यूट अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये क्या कहलाए, नंबर ऑफ मोल्स कहलाए ना, और 1000 अपान डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए किसमें है, ये तो किसमें बदलना है, किलोग्राम में। और ये इतना जो पार्ट है एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान डब्ल्यू ए, अगर ये ग्राम में है तो इसे किलोग्राम में बदलना नितांत आवश्यक। ठीक है, मोल्स पर केजी इसकी यूनिट हो जाएगी, यूनिट क्या हो गई इसकी, मोल्स पर केजी, मोल्स पर लीटर यूनिट किसका है, मोलैरिटी, मोल्स पर केजी किसका है, मोलैरिटी का। समझ
कितना लिया? अब यहां पर टर्म समझिए, वन मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, वन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास है ये, तो वन एम, टू एम, वन बाई टू एम, फाइव एम, वन बाई फाइव एम, 10 एम, 1 बाई 10 एम, 100 एम, 1 बाई 100 एम, भाई उसी तरह से अब आप इनको डिफाइन कर लीजिएगा, कर लेंगे। मैंने ऊपर लिख दिया एक टर्म, ये इसको देखिए, यहां पर ये है मेन टर्म, ये बोलो समझ आ गए पूरे पॉइंट्स, कोई दिक्कत तो नहीं मोलैलिटी को समझने में? अब लिखिए, आपने मोलैरिटी को नॉर्मैलिटी में और नॉर्मैलिटी को मोलैरिटी में बदलना सीख लिया, लेकिन अब मोलैरिटी को मोलैलिटी में बदलना सीखना है, मोलैरिटी को मोलैलिटी में, उल्टा मोलैलिटी को मोलैरिटी में, तो ये कन्वर्जन आपको सीखना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आप मोलैरिटी को किस में बदल रहे हो? मोलैलिटी में। मैंने क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 1 एम H2SO4 सॉल्यूशन एंड हुज डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर ml या पर cc, ये डेंसिटी है। क्या करवट करना है? मोलैरिटी को मोलैलिटी में, ये देखिए मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है, दिमाग लगाया जाए मोलैर, अब अपन आंसर लिख रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, देखिए मोलैरिटी इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, और सॉल्यूट कौन है जरा देखिए, ये सॉल्यूट है H2SO4 का सॉल्यूशन है, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मैं बार बार क्यों लिखता हूं,
आपको वो हिट हो जाए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये पूरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मैंने VL नहीं लिखा, मैंने VL नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा पूरा एक बार, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। और दिमाग लगाया कि मोलेरिटी, ये टर्म दोनों में सेम है, ये टर्म दोनों में सेम है। देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सॉल्यूट, पर ये टर्म अलग है, यहां क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये है यहां पर टर्म, ये दोनों टर्म सेम है दोनों में। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये बात हमारी बन सकती है, केवल मोलेरिटी को बदलना है, मोलेरिटी में तो इसको इसमें बदलना है बस। समझ आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है पढ़ के देखिए। अब मैं लिख रहा हूं तीसरी बात, 1 m दिया है जिसका मतलब है 1 mole ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो सॉल्यूशन। देखो मुझे समझाने में टाइम लगेगा, करने में टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए 1 m का मतलब, माने मुझे ये एक बात तो कंफर्म हो गई, ये देखो कौन सी बात, ये बात दोनों में सेम है, दोनों में नंबर ऑफ मोल्स क्या है देखिए सेम, सिर्फ इतनी सी बात बदलना है मुझे बस। और दूसरी बात, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये जरा ध्यान देना मास ऑफ सॉल्यूशन, अब वर्ड पर ध्यान देना क्योंकि यहां पर क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां पर क्या है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी दी है जरा देखो, और ये ग्राम पर ml दिया है, और मुझे ग्राम पर ml तो ये भी मुझे ml में चाहिए कि नहीं, ये देखिए मैंने क्या लिख दिया सॉल्यूशन कितना आ गया 1200 ग्राम सॉल्यूशन का मास है। ठीक है, अब तीसरी बात, मुझे यहां चाहिए क्या, ये देखिए सॉल्यूशन का मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए कि वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो मुझे यहां पे मास की जगह आप वेट लिख लो, वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ये मुझे मिल गया। अगर मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट मालूम हो तो मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन में से वेट ऑफ सॉल्यूट माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बस। तो देखो कितना सिंपल है, मोल नंबर ऑफ मोल्स काय के बराबर होते हैं वेट अपान, और ये कितने दिए, ये देखिए ये दिया है 1 mole, वेट निकालना और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2SO4 का, इसलिए हमको वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन सा है H2SO4, कितना मिल गया 98 ग्राम मिल गया। अब देखिए मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूट भी है, मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन भी है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया, यही चाहिए था मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, ये किया तो मेरे को मिल गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही मुझे मेरा फाइनल लक्ष्य, मेरा अंतिम लक्ष्य क्या था वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना, ये था 1200, ये 98, क्या बचा 1100 मान सकते हो, ये ग्राम में आया, लेकिन मेरे पास किलोग्राम में चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, तो कितना आ गया
1.102 किलोग्राम। और अब ये फार्मूला मुझे लगाना है, ये कितना है, ये मोल होते हैं और मोल कितने हैं सीधे, तो ये हो गया 1 मोल और वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया 1.102। तो मोलेलिटी भाइयों ये आ गई 1 मोल है। अब मुझे ग्राम राम नहीं, सीधा वो 1 मोल रखिए, ये मोल है ये इसलिए मैंने ऐसे साइन में दिए, ये जो साइन है मेरा ये मोल का यहां दिख रहा है 1/1.102, ये आ गई मोलेलिटी। समझ आ गई मोलेलिटी कैसे निकालते हैं, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट में बदलना, बस इतना सा दिमाग रखना। हर साल आता है ये, या तो नॉर्मेलिटी को मोलेरिटी में, मोलेरिटी को नॉर्मेलिटी में, या मोलेरिटी को मोलेलिटी में, या मोलेलिटी को मोलेरिटी में। अभी आपको कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम से स्मॉल एम कैलकुलेट करवाया, अब उल्टा करना है, ठीक है, इसी की उल्टी, इसकी उल्टी कर दोगे तो मोलेलिटी मोलेरिटी में बदल जाएगी। पूरा लिख लिया आप लोगों ने, कर दूं क्लीन। आप बात नहीं, अब आपको मोलेलिटी को मोलेरिटी में बदलना, ये काम करना है। अब दिमाग लगाओ, अगर मैं तुमको दे देता कैलकुलेट द मोलेरिटी एम ऑफ 1 एम H2SO4 सॉल्यूशन और उसकी डेंसिटी, अब ये बदल जाएगा, पूरा सिस्टम बदल जाएगा। डेंसिटी वही है पर सिस्टम पूरा बदल जाएगा। यहां देखो, अब ये देखो, ये वही है, ये वही है, अब आपको उल्टा करना है। देखो किलोग्राम को किसमें बदलना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट को किसमें बदलना है, और ये लिखने का तरीका। अब यहां देखो, लिखना बंद करके बस 2 मिनट वेट करो, ये तुम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और तुम घर चले जाना। 1 एम ले रहा हूं मैं, 1 स्मॉल एम का मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg, जिसको हम बोलते हैं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, लिखोगे तो गलत, मैं डिफरेंस दे रहा हूं, वहां कलर बदल दिया मैंने, सॉल्वेंट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, हमको क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दी है 1.2। हम यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें, मास ऑफ सॉल्यूशन पहले मुझे निकालना पड़ेगा। अब देखिए, दिमाग रखना है अपने को, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है और मास ऑफ सॉल्यूट देखो कितना दिया, इधर देखो कितना है मास ऑफ सॉल्यूट। अब अगर मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो दिमाग लगाया मैंने कि 1000 ग्राम ये लिखा है सॉल्वेंट और सॉल्यूट लिखा है 98 ग्राम, ये निकाल दिया मैंने, तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे 2 चीज आपको ऐड करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि इस विद्या से आ जाएगा, ये आता ही नहीं, ये विद्या आती है ना, 1m का मतलब क्या होता है, देखो ये विद्या तुमको मालूम है और ये भी मालूम है कि 1 मोल अगर है तो वेट वन मॉलिक्यूलर वेट रखे तो क्या आ जाएगा, ये वेट कितना आया सॉल्यूट का वेट। अब देखो कितने जल्दी सीख गए तुम लोग ये विद्या, 1019 ग्राम क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। इससे क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर ये ml में आएगा, किसमें आएगा, ये ग्राम है और ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये ml में आएगा
और ml को लीटर में बदलने में क्या परेशानी, 1000 से डिवाइड ही तो करना है। तो अब आप वॉल्यूम लिखा लेना, समझ आ गया, ये वॉल्यूम निकाल लोगे, ये आएगा ml में, इसको कन्वर्ट कर लेना लीटर में, और जो विद्या यहां लगाई थी ना वो वहां पे उल्टी करके, उल्टी है, ठीक है, मोलेरिटी मोलेलिटी की उल्टी है। और अब आपको मोलेरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ये रखें अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, ये वाला पुट करना है बस। बोलो आ गई बात समझ में? पर मैंने सिर्फ 3 मिनट ज्यादा लिए हैं तुम्हारे, अब मैं चला, ठीक है, मतलब मैं अब आपके 3 मिनट से ज्यादा नहीं ले सकता, एक लिमिट है 3 मिनट।